हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शिला सेफी लाइफ टिप्स। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ऋषिकेश व्लॉग। व्लॉग में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड फेमस रामझूला एंड साथ ही देखेंगे कुछ भवन। तो चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रामझूले पर एंड रामझूले पर आप देख सकते हैं मैं चल रही हूँ अभी पैदल। जो मेरे साथ में हैं मैं लक्षू के नाना एंड इसके पापा, वो भी पीछे की तरफ चल रहे हैं एंड वीडियो से पापा ही शूट करे इसलिए इसी वजह से पूरा अच्छे से शूट नहीं हो पाया है। और दूसरा है ना, इतनी भीड़ में अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं अगर रामझूले की क्या खासियत है, क्यों ये वर्ल्ड फेमस है। तो इसकी सबसे पहले खासियत है कि विदाउट पिलर है इसकी। इसको अगर ये झूला बंधा हुआ है तो इसमें एक भी पिलर नहीं है। ये रस्सी तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं दिख रहा मुझे, पर वायर से एंड दूसरा ऐसे फील होता है कि आप झूल रहे हैं इसके ऊपर। जब चलते हैं आप तो जस्ट लाइक हम झूला झूलते हैं उसी तरह से इसमें फील होता है। और एक भी पिलर नहीं होना बहुत बड़ी बात है। बहुत लंबा है ये, बहुत लंबा मतलब यूँ कि इसकी कितना मीटर है वो तो मैं नहीं बता सकती, पर काफ़ी लंबा है ये। 2.5-3 मीटर से तो, 2.5-3 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगा ये, मैं अगर मानूँ तो। मैं दूसरा, नीचे पूरी नदी बहती है और उसके ऊपर इसे बिना पिलर के बनना बहुत अपने आप में एक खासियत है। दूसरा, पहले यहाँ पर दो झूले थे, एक राम झूला एंड लक्ष्मण झूला। अभी राम झूला तो प्रचलित में चालू है, आप उसको देख सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। बट जो लक्ष्मण झूला है वो किसी रीजन से बंद हो गया है, बहुत पुराना था यार पता नहीं किस वजह से, तो वो लोग हम लोग नहीं देख पाए। एंड आगे आप देखेंगे भवन, बहुत अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं यहाँ पे आगे ऋषिकेश में, तो वही मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अगर आप रामझूले को देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा दूर से आपको। ऊपर से पूरी पूरी दीवार बनी हुई जस्ट लाइक उस तरह से दिखता है, उस पर हम चलते हैं तो दूर से ऐसा दिखता है। थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की मैंने क्योंकि इतनी भीड़ में देखना मुश्किल होता है। एंड मैंने फ़ोन में अपने हस्बैंड को दे रखा था, उन्हीं से बोला था, वही वीडियो शूट करे थे क्योंकि मैं बैग लेके चल रही थी इसलिए। एंड लक्ष्य पैदल नहीं चल पा रही तो वो अपने नाना के कंधों पे बैठ रही है। नाना, उसके नाना भी परेशान है कि मतलब जब से आए तो वो ही संभाल रहे, ज़्यादा हम लोग कम ही संभाल रहे हैं। तो लक्ष्य के नाना पहले हरिद्वार आ चुके हैं 2 या 3 बार, इसलिए उन्हें तो सब कुछ देखा हुआ उन्होंने, राम झूला लक्ष्मण झूला सब कुछ, तो हम लोगों ने नहीं देखा है। तो वो इसीलिए लक्ष्य को संभाल रहे ताकि हम लोग अच्छे से देख पाए जो भी हम देखने के लिए आए हैं, अच्छे से घूम पाए, पूरा इंजॉय कर सकें, इसीलिए वो लक्ष्य को पूरा संभाल रहे हैं। हम लोगों को आराम से देखने का टाइम दिया कि आप लोग देखो आराम से घूमो इस पूरा टाइम। देन फाइनली हमने रामझूले को क्रॉस कर लिया है, हम पहुंच चुके हैं अब भवन की तरफ जहाँ से भवन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से भवन सारे स्टार्ट हो जाते हैं और इन बहुत सारे भवन बने हुए, हमने एक या शायद दो ही देखे हैं, ज़्यादा हमने नहीं देखे हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको दिख जाएगी राम लक्ष्मण एंड सीता जी की मूर्ति दिख जाएगी आपको। सीता जी शायद बैक साइड रहेगा, दिख नहीं रहा आपको। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि दूर से भी इतनी बड़ी साइज में दिख रही, तो पास से सोचो आप कितनी साइज बड़ी होगी इनकी। तो काफ़ी बड़ी बड़ी झांकियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से इनको बनाया गया है। तो दिखती है ये है पानी के अंदर पूल बना हुआ है थोड़ा छोटा सा, एंड उसके ऊपर है शिव जी की मूर्ति। इन काफी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, व्हाइट कलर की है। इस भवन की खासियत की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले है एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति जो आप पीछे देख सकते हैं, जिसमें हनुमान जी अपना सीना चीर के राम जी एंड सीता मैया का तस्वीर बता रहे हैं कि मेरे दिल में है, वो ये बता रहे हैं। और दूसरा, इसके अलावा पूरी जो रामायण है वो पूरी इस पे जो दीवार है उस पे दर्शाई गई, पूरी बता रखी है, बहुत नीट एंड क्लीन बता रखी है। एक्चुअली मैं अच्छे से कवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बीच बीच में लोग बाग आ रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश की। तो आप देख सकते हैं छोटी सी गुड़िया ये देख रही है यहाँ पे, जिसने पिंक कलर का टॉपर पहना हुआ, वो भी इसको अच्छे से ध्यान से देख रही है। अगर बच्चों को आप साथ में ले जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं कि ये हमारी संस्कृति है एंड ये पूरा संस्कृति, सॉरी क्या, ये रामायण की पूरी बता सकते हैं आप उसको कि इसमें हनुमान जी आकाश के थ्रू जा रहे हैं, एंड पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी दीवार पे बताई हुई है इसको।
मैं आपको दिखाऊंगी पूरी की पूरी, मैंने उसको वीडियो शूट किया पूरा दिखाऊंगी मैं आपको इसमें। लक्षू थक गई थी, अब थोड़ी वो मस्ती कर रही है, इसने पजामा खोल के नाना को पकड़ा दिया, ऐसे ही घूम रही है वो।